महाराष्ट्र में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उद्धव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दोनों दलों का गठबंधन अटल है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि ये गठबंधन एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ठाकरे ने अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। शिवसेना प्रमुख ने इसके साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने और समान नागरिक संहिता लाने की अपील की। ठाकरे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नेतृत्व और दिशा प्रदान की है, जिसमें प्रगति और विकास कार्य करने की अपार क्षमता है। संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और चंद्रयान 2 अभियान के लिए मैं मोदी को बधाई देता हूं। अब राष्ट्र अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और समान नागरिक संहिता का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। मोदी ने इसे न केवल शब्दों में बल्कि वास्तविकता में सिद्ध कर दिया है। शिवसेना प्रमुख ने इसके साथ ही कहा कि महत्वाकांक्षी चंद्रमा मिशन के लिए देश को इसरो के वैज्ञानिकों पर भी गर्व है। उन्होंने कहा, भारत में अपार क्षमता है और मोदी में देश को सही दिशा देने वाला नेतृत्व मिला है। ठाकरे ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहेगा। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा, गठबंधन अटल है, हम सत्ता चाहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन हम ऐसा राज्य के विकास के लिए चाहते हैं। बीजेपी शिवसेना प्रदेश में चुनावों के बाद एक बार फिर सत्ता में वापस लौटेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की बढ़ती जनसंख्या के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। खबरों के अनुसार शिवसेना चाहती है कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ सीटों का बंटवारा आधा आधा हो, जिसका मतलब है कि दोनों पार्टी बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। विधानसभा की कुल 288 सीटों में से बीजेपी और शिवसेना ने 18 सीटें छोटे सहयोगियों को आवंटित करने पर सहमति जताई है, लेकिन इस पर औपचारिक रूप से मुहर लगनी बाकी है।